सपाइयों ने बुधवार को महारानी दुर्गावती की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा सरकार से उनकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की। इस मौके पर छात्र नेता शिव शंकर गौड़, शुभम गौड़, आकाश गौड़, राहुल यादव, अनिकेत रमन, अमन सिंह, विकास गौड़, राजू गौड़, कन्हैया गौड़, दिलीप गौड़, डॉक्टर चंद्र प्रकाश गौड़, मोहित मौर्य, अजय गौड़, रवि गौड़, मनीष गौड़ सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र नेता शिव शंकर गौड़ और जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने कहा, नीचे का पैर ना और जल्दी मैंने देखिए आप लोग फोटो ना देखिए उधर हो गया बेटा सब किया गया ठीक हो गया। शिव शंकर गौड़ आज वीरांगना एवं इतिहास में अपने सुनहरे अक्षरों से नाम लिखवाने वाली जिन्होंने अकबर को मुंह तोड़ जवाब दिया, गौड़वाना साम्राज्य की महारानी दुर्गावती जी की जयंती के अवसर पर आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हम सब ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए ये संकल्प लिया अपने समाज को और आगे बढ़ाएंगे और महारानी दुर्गावती जी का जो संकल्प था, जो लड़ना चाहती थी अत्याचार से, अन्याय से जो लड़ना चाहती थी, उस दिशा में हम लोग काम करते हुए आज हम लोगों ने संकल्प लिया और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मैं नगीना प्रसाद सानी, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी गोरखपुर, आज गौड़वाना समाज की पहली महारानी रही दुर्गावती जी, जिनका इतिहास सभी लोग जानते हैं। उन्होंने हमेशा जुर्म जस्ती और अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम किया। अकबर ने बहुत झुकाने का प्रयास किया लेकिन वो अकबर से अंतिम समय तक लड़ती रही। उनके आंखों में तीर भी लगे उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं माना और लड़ते लड़ते वो शहीद हो गई। और आने वाले दिनों में हम लोग गौड़ समाज के लोगों का जो इतिहास है, इस इतिहास को उजागर करने के लिए आने वाले दिनों में हम लोग सरकार से मांग भी करेंगे कि इनके जयंती के दिन पर छुट्टी घोषित हो और उसे छुट्टी घोषित होने के बाद वो जयंती मनाया भी जाए, सरकार के द्वारा ये घोषित किया जाना चाहिए, इसकी हम लोग मांग करेंगे।